बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के निधन की खबर आते ही देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। कैंसर से पीड़ित बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने 72 वर्ष की आयु में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। वहीं उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तक बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये हम लोग के लिए बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, जेपी मूवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई, बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन जो मुझे सुशील जी की सबसे बड़ी बात, मैं उसको याद रखता हूँ, कि जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे उस समय उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। सुशील मोदी खड़े हुए, वो वकील थे सरयू राय जी, मैं उनका वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। चारा घोटाले पटना हाई कोर्ट में पीआईएल किया, सीबीआई इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट में जीते, आज लालू प्रसाद सबको सजा हुई, अफसर, इनकम टैक्स के लोग, सप्लायर्स, लालू प्रसाद जी। अलकतरा घोटाले में वो पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था, उसमें भी सबको सजा हुई। ये जो हिम्मत दिखाई ना, और फिर बिहार की राजनीति बदली। बहुत अध्ययनशील थे, बहुत मिलनसार थे, और बिहार बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जो वित्त मंत्री के रूप में काम किया, डिप्टी सीएम के रूप में काम किया, जीएसटी के पूरे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसमें सब कमेटी के वो अध्यक्ष थे। तो अब ऐसे व्यक्ति जो पटना के विधायक रहे, मेरे मित्र रहे, बड़े भाई रहे, वो चले गए, ये कोई जाने की उम्र नहीं थी उनकी। मैं बहुत आघात हुआ है, मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। देखिए, बहुत यादें हैं। जैसे जब चारा घोटाला की लड़ाई चल रही थी, कहा रवि जी ये बहुत कड़ी लड़ाई है, इसमें हम लोग को साथ रहना है, बहुत दबाव पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल लड़ेंगे। बहुत खतरे थे उसमें, लालू प्रसाद जी का प्रचंड राज था, उसमें हम लोग भिड़ गए और बाद में देखिए बदलाव आया। दूसरी बात, सुशील जी की अध्ययनशीलता, मतलब कोई विषय की गहराई में जाना, ये सीखना चाहिए पॉलिटिकल वर्कर्स को। अगर बिजली का विषय है तो बिजली की पूरी जानकारी है, अगर फिनांस का विषय है, जीएसटी का विषय है, तो पूरी दुनिया में क्या चल रहा है वो उनके साथ। कई बार वो प्रेस करते थे तो दिल्ली में, रवि जी इस विषय मुझे क्या बोलना चाहिए, मैं उनसे पूछता था। तो ये जो अध्ययनशीलता है ना, ये बहुत कम दिखाई पड़ती है। बहुत ही बड़े आदमी थे। मैं फिर कहूँगा, बिहार में पार्टी को बढ़ाने में जितना वो संघर्ष करते थे, तो ये अपूर्णीय क्षति है। मेरे बड़े भाई, परम मित्र सुशील जी नहीं रहे, अभी भी ये विश्वास नहीं होता। मेरा और उनका बरसों पुराना रिश्ता था। 1974 में जब जेपी मूवमेंट प्रारंभ हुआ, जेपी आंदोलन शुरू हुआ, तब मैं भोपाल में एक स्कूल का प्रेसिडेंट था। तब से मैं उन्हें जानता था, साथ काम करने का सौभाग्य मिला विद्यार्थी परिषद और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ काम किया। वो मौलिक चिंतक थे, कुशल संगठक थे, सफल प्रशासक थे। पूरे देश, विशेषकर बिहार में, भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में उनका अतुलनीय योगदान था। एक कुशल प्रशासक के नाते बिहार के विकास में उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता। अध्ययन करना उनकी प्रवृत्ति थी, और जब वो बोलते थे तो एक एक तथ्य सामने रखकर बोलते थे। आज की राजनीति में बिरले ही नेता सुशील मोदी जी की तरह हैं।
आज अंतर मन अंतर आत्मा दुखी है अपने मित्र के बिछड़ने पर। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। उनका निधन भारतीय राजनीति विशेषकर बिहार की सार्वजनिक जीवन में अपूर्णीय क्षति है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे काफी भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी सिर्फ मेरे मित्र नहीं बल्कि भाई थे। मैंने आज अपने भाई को खोया है, इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण भाव से काम किया जिसे भूला नहीं जा सकता। सुशील जी मेरे मित्र ही नहीं कहा जाए, उस परिवार से मेरा इतना लगाव रहा है, मैं भाई के नाते उस परिवार का रहा हूँ उनके। मैंने आज अपने एक ऐसे भाई को खोया जिसकी व्याख्या नहीं, एक ऐसा भाई जो सतपुत में मेरे मित्र भी थे, मुझे सलाह भी देते थे, मुझे जो कुछ होता है कभी मैं डांट भी देता था उनको, तो वो बुरा नहीं मानते थे। मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ये बुरा दिन तुझे देखना पड़ेगा। सुशील जी सचमुच बहुत ही ऐसे विनम्र व्यक्ति, बराबर नम्रता खुट खुट कर बनी थी। अगर किसी को गुस्साते भी थे तो फिर तुरंत शांत होकर के कहते थे, चौबे जी ये मुझसे लगता है कि मैंने डांट दिया उस आदमी को, इसका आदत ठीक करने के लिए डांटा। वो जब कभी भी हर तरह से परोपकार, और उनके दिल में कभी भी ऐसा मैंने नहीं देखा कि पार्टी के लिए वो कितना समर्पण भाव था। एक एक कहा जाए वो कंप्यूटर थे। मुझे याद है राजेंद्र नगर में जब वो कंप्यूटर का ट्रेनिंग का वो सीख मतलब उन्होंने संस्थान खोला हमारे एक निजी संबंधी के घर, और उस समय से मैंने देखा है कि वो कंप्यूटर की तरह सीखा भी उन्होंने, और कंप्यूटर की तरह वो पहले से भी थे, और आज तो एक एक डाटा उनको याद रहता था। मैं कह सकता हूं कि राजनीति में ऐसे प्रखर व्यक्तित्व और जो समाज के अंदर हर एक क्षेत्र का ज्ञान, छात्र आंदोलन में आपातकाल में बरसों जेल में रहे, हमारे साथ आपातकाल में पीएमसीएच में महीनों हॉस्पिटल में रहे, उस समय भी उनकी व्यथा को बीमारी के हालत में भी ये पुस्तक को कभी नहीं छोड़ते। बताते चले कि पिछले महीने की 3 तारीख को सुशील मोदी ने कैंसर होने की जानकारी देते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 4 दिनों से वो एम्स में भर्ती थे। वहीं उनके निधन की खबर से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।